और करेंगे अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली होने वाली है। रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली इस रैली में गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मंच साझा करेंगे। इसके अलावा रैली में बीजेपी और निषाद पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। माना यह भी जा रहा है कि यहां पर अमित शाह इस दौरान निषादों के आरक्षण को लेकर के एक अहम ऐलान भी कर सकते हैं, कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। संजय निषाद ने दावा किया है कि इस रैली में 20 से 25 लाख लोग आएंगे और ये रैली ऐतिहासिक होगी। निषाद पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है और वो एनडीए का हिस्सा भी बन चुकी है। सीट बंटवारे को लेकर के लगातार दबाव बना रही है निषाद पार्टी और अब 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर राजी हो सकती है। पहले इस पार्टी ने 50 से ज्यादा सीटों की मांग की थी, लेकिन इस पर विचार विमर्श किया जा रहा था, कई बैठकें भी हुई और अब लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी की ये महारैली, मेगा रैली होने वाली है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि 20 से 25 लाख लोग जुटेंगे। काफी ऐतिहासिक ये रैली होने वाली है। निषाद पार्टी की रैली है जिसमें एनडीए शामिल हो रही है, उनके प्रमुख आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मछुआ समुदाय के मुद्दों के जितना भी उन्होंने समस्याओं का समाधान कर रखा है, दोनों शीर्ष नेतृत्व गृहमंत्री और मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जरूर रखेंगे। सीटों का क्या कहना है? सीटों में अभी मान के चलो कि अब 2 अंक में रहेगा, अब समय आने पर वो भी घोषणा लगभग सुलझा लिया गया है। अब वो तय हो रहा है कि कहाँ कहाँ हम खोला। 2 अंक संजय जी, लाल टोपी आपने लगा रखी है, ये मैरून है, लाल नहीं है। ये मैरून है, जब खून जमीन पर गिरता है तो लाल मैरून में बदल जाता है, तो हमारे लोगों ने ज्यादा खून बहाया सड़कों पर, इसलिए उनका ये बलिदानी कलर है, मैरून है। लाल टोपी वाले तो पहले हरा में थे, अब लाल हो गए हैं, वो अपना रंग बदल रहे हैं। पहले लाल हरा थे, हरा हटा दिया, लाल कर दिया है।